ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है. मैं राजकुमार सिंह चैंपियंस कैफे के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ. जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है सीआरओ की, एक बार वो देख लें उसको. खैर, जो पहली वीडियो है वहाँ से बहुत चुनिंदा क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे सीआरओ क्या मेजर करता है, क्या मेजर नहीं करता है, एवरेज वैल्यू मेजर करता है, पीक वैल्यू मेजर करता है या क्या नापता है. साथ ही साथ सीआरटी को हर्ट बोलते हैं सीआरओ का. ये दो तीन चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं. आज की जो क्लास है यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है आपके एग्जाम में. हो सकता है आप एसएससी जेई का पेपर देने जाओ, वहाँ पे क्वेश्चन आ जाए लिसाजोस पैटर्न का या फिर सीआरओ का या और भी कोई एग्जाम आप दो. मैं अपने साथ जुड़ने वालों की बात करूँ तो मेरे साथ प्रशांत त्रिपाठी, विवेक विश्वकर्मा और बार बार इन्हीं लोगों का कमेंट आया है क्या. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. आज हम स्टार्ट करेंगे लिसाजुअस पैटर्न, राइट. शिवनंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. रवि गुप्ता का गाना है सर, उस इंतजार का क्या गिला जिसका अंत आपका दीदार हो. ए वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है रवि गुप्ता आपका भी. विवेक विश्वकर्मा, शिवनंदन, विपुल कुमार, आप सभी लोगों का. आज मैं लिसाजुअस पैटर्न पढ़ाऊंगा. है बड़ा सिंपल, है बहुत आसान, बट एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ जाता है और आप नहीं कर पाते हो और छोटा सा कोई भी क्वेश्चन बना के पूछ लेगा. तो खास करके आप एसएससी जेई का जो एग्जाम देने जा रहे हो उसके हिसाब से वैसे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मगर क्वेश्चन आ सकता है. छोटा सा क्वेश्चन आएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट सी एंड टिक, दैट्स इट. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. आइए, एक वीडियो मैंने सीआरओ की बना रखी है, उसमें मैंने बताया था कि सीआरओ में दो प्लेट्स होती हैं. एक हॉरिजेंटली अरेंज्ड प्लेट्स होती है जो कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन करती है, जिसको कि वाई प्लेट्स बोलते हैं, और एक वर्टिकल प्लेट्स होती है, वर्टिकली अरेंज होती है जो कि हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन करती है, जिसको हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स बोलते हैं, जिसको एक्स प्लेट्स बोलते हैं. तो दो प्रकार की प्लेट्स होती हैं सीआरओ में या सीआरटी में, कैथोड रे ट्यूब में. एक वाई प्लेट होती है और एक एक्स प्लेट होती है. एक वाई प्लेट होती है और एक एक्स प्लेट होती है. जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी वो जाकर के देख सकते हैं, आपका यूट्यूब पे पड़ा हुआ है. आज मैं उसके आगे का लिसाजस पैटर्न की बात करता हूं, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. प्रशांत त्रिपाठी, चलिए लिसाजस पैटर्न या लिसाजस फिगर क्या होता है. जब आप अपने सीआरटी में वाई प्लेट और एक्स प्लेट को, एक वाई प्लेट होती है और एक एक्स प्लेट होती है, वाई प्लेट जो कि नॉर्मली हॉरिजेंटली अरेंज होती है जो कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन करती है, और एक्स प्लेट जो कि वर्टिकल अरेंज होती है मगर हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन करती है, जब इन दोनों प्लेट को आप साइनोसॉइडल इनपुट देते हो, तो आपका स्क्रीन पे जो शेप दिखाई देता है, जो आकृति दिखाई देती है, उसे ही बोलते हैं लिसाजस पैटर्न. आप वाई प्लेट और एक्स प्लेट को क्या दे दो, दो साइनोसॉइडल इनपुट दे दो, तो आपकी जो स्क्रीन दिखाई देगी सीआरओ में, उस पे जो डायग्राम दिखाई देगा, जो शेप दिखाई देगी, दैट शेप इज कॉल्ड लिसाजस पैटर्न. तो पहला पॉइंट लिसाजस पैटर्न क्या है. हमने एक्स प्लेट पे साइनोसॉइडल इनपुट दिया, हमने वाई प्लेट पे साइनोसॉइडल इनपुट दिया, तो जो हमारी स्क्रीन होगी सीआरओ की उस पर जो आकृति दिखाई देगी, जो शेप दिखाई देगा, उसको बोलते हैं लिसाजस पैटर्न. इस्तेमाल क्या है लिसाजस पैटर्न का, इसका यूज क्यों करते हैं. इट इज यूज्ड टू मेजर, पहला फेज डिफरेंस या फेज शिफ्ट, और दूसरा है फ्रीक्वेंसी रेशियो या फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए. आप ये कह लीजिए फ्रीक्वेंसी रेशियो पता करने के लिए या फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए हम यूज कर सकते हैं लिसाजस पैटर्न का. फेज डिफरेंस यानी फेज शिफ्ट और दूसरा फ्रीक्वेंसी रेशियो. सबसे पहले हम चर्चा करते हैं फेज डिफरेंस कैसे नापते हैं और फिर चर्चा करेंगे हम आज ही कि फ्रीक्वेंसी कैसे नापते हैं. ये दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे. रवि गुप्ता का गाना है नोएडा मेट्रो और डीएमआरसी दोनों में आया था सर लिसाजस पैटर्न से. बिल्कुल, इस पे क्वेश्चन आ जाए कि लिसाजस पैटर्न सर्कुलर शेप का है तो फेज डिफरेंस बताओ,
पूछ लेगा सर्कल है लिसाजियस पैटर्न तो फेज डिफरेंस कितना होगा, स्ट्रेट लाइन है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन बनता है। और आप 5 मिनट भी अगर ध्यान से देख लोगे एक बार पढ़ने के बाद तो याद रहेंगी चीजें आपको। विजय कुमार बोल रहे हैं सर आईटीआई के लिए भी है क्या ये, आईटीआई के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी क्वेश्चन तो आने को कहीं से भी छिटपुट आ सकता है, बट नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर आईटीआई स्टूडेंट्स, मगर क्वेश्चन आने को थोड़ा बहुत कहीं भी सकता है, मगर जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं टू फाइंड फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कैसे पता करें। देखिए जब आप फेज डिफरेंस पता कर रहे हो इस वक्त आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि जो दोनों प्लेट पे आपने सिग्नल दिया है उन दोनों सिग्नल का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेम हो। बात समझ में आ रही है। जब आप फेज डिफरेंस निकालना चाहते हो, फेज डिफरेंस का मतलब क्या, अरे एक वाई प्लेट है एक एक्स प्लेट है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है एक वर्टिकल प्लेट है, दोनों को इनपुट दिया, दोनों को साइनोसोइडल इनपुट दिया, दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा दोनों सिग्नल में वो निकालना है। तो फेज डिफरेंस आप निकालोगे लेकिन एक बात का ध्यान रखोगे दोनों सिग्नल का मैग्नीट्यूड और दोनों सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए तभी आप फेज डिफरेंस निकाल पाओगे। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, मान लीजिए एक सिग्नल है हमारा जो एक्स प्लेट को दिया सिग्नल वो है वीएम, मान लीजिए वीएम साइन ओमेगा टी, मान लीजिए जो एक्स प्लेट को दिया वो सिग्नल है वीएम साइन ओमेगा टी और जो वाई प्लेट को सिग्नल गया मान लीजिए वो है वीएम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। जो एक्स प्लेट को सिग्नल दिया वो है वीएम साइन ओमेगा टी, जो वाई प्लेट को दिया वो है वीएम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो आप देखो एक्स प्लेट को ये वोल्टेज दिया, वाई प्लेट को ये वोल्टेज दिया, दिस इनपुट इज गिवन टू एक्स प्लेट, दिस इनपुट इज गिवन टू वाई प्लेट। अब आप देखो क्या दोनों की वैल्यू सेम है, हाँ जी दोनों सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू सेम है तो आरएमएस वैल्यू भी सेम ही होगी। आरएमएस वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय रूट टू, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय रूट टू, इन दोनों सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू या आरएमएस वैल्यू सेम है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी भी ओमेगा इसकी भी ओमेगा, फेज डिफरेंस बस है। यहां पे फेज डिफरेंस अगर देखोगे तो ओमेगा टी लिखा है, यहां पे ओमेगा टी प्लस फाई, यानी दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है फाई। तो फेज डिफरेंस नापने के लिए टू मीजर, ये मैं लिख रहा हूं टू मीजर फेज डिफरेंस, टू मीजर फेज डिफरेंस both signals should have same magnitude same हो and same frequency, तभी आप phase difference निकाल पाओगे। और है यहां पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज डिफरेंस आपका फाई है। अब फेज डिफरेंस जो है आपका, मान लीजिए इसके इसके बीच में फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं है जीरो है, तो शेप कैसा बनेगा स्क्रीन पे, जो शेप बनेगा उसी शेप को बोलेंगे लिसाजस पैटर्न। अगर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री है तो कौन सा शेप बनेगा, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 270 डिग्री है तो कौन सा शेप बनेगा। तो कई बार फेज डिफरेंस देकर के शेप पूछ लेता है लिसाजस पैटर्न का, और कई बार लिसाजस पैटर्न इस शेप का बना है वो दे देगा और कहेगा फेज डिफरेंस कितना होगा। ये दोनों चीजें आपको बतानी है। प्रशांत त्रिपाठी का कहना है सर मेरी वीडियो थोड़ी थोड़ी ब्लर हो रही है, वीडियो तो क्लियर है, बाकी लोगों की वीडियो सही चल रही है नहीं बोलो। आइए अब आगे देखते हैं क्या फेज डिफरेंस हो सकता है। मेरा ये बस कहना है एक एक्स प्लेट एक वाई प्लेट दोनों को इनपुट सिग्नल दिया, हाँ दिया तो दोनों में कुछ फेज डिफरेंस होगा, हाँ होगा। जो फेज डिफरेंस होगा दोनों प्लेट के दिए गए इनपुट में उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि जो स्क्रीन है उस पर कौन सा शेप बनेगा, उस पर लाइन बनेगी कि गोला बनेगा कि एलिप्स बनेगा कि पैराबोला बनेगा कि हाथी घोड़ा बनेगा, क्या बनेगा वो डिपेंड करता है दोनों सिग्नल के बीच के फेज डिफरेंस पे, दोनों सिग्नल के बीच के फेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब क्या क्या फेज डिफरेंस संभव है जरा देखो, कितना कितना अलग अलग फेज डिफरेंस के लिए अलग अलग शेप है, वही आपको याद रखना है कि कितने फेज डिफरेंस के लिए कौन सा शेप बनेगा वो आपको याद रखना है। देखिए पहले तो मैं कोई लिसाजस पैटर्न अगर बनाऊं, जैसे देखो आप, जैसे मान लीजिए हमारा ये सीआरओ की स्क्रीन है, सीआरओ की स्क्रीन, इस पे खाने वाने बॉक्स बॉक्स बने होते हैं,
ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब आपका जो सीआरओ के स्क्रीन पे बना हुआ है, हो सकता है स्ट्रेट लाइन ऐसे बने, हो सकता है स्ट्रेट लाइन ऐसे बने, हो सकता है सर्किल बन जाए, या हो सकता है इलिप्स बन जाए कुछ इस तरीके से, कुछ भी ऐसा हो सकता है लाइक दिस। मान लीजिए इलिप्स है भाई, एक देखो सर्किल होता है, इलिप्स ऐसे होता है कुछ इस तरीके से। इलिप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्त। इलिप्स को हिंदी में दीर्घवृत्त बोलते हैं जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसा शेप बन गया, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश एंड फोर्थ क्वाड्रेंट मींस चतुर्थ चतुर्थांश, ये है। अब देखो जरा एक्स एक्सिस पे ये कहां कट किया, जरा देखो इस लंबाई को मान लो एक्स वन, इसको मान लो कितना एक्स वन, और मैक्सिमम कितना गया है एक्स पे, ये इसको मान लो एक्स टू। बात समझो मेरी, जहां कट किया उसको एक्स वन और मैक्सिमम कितना एक्स एक्सिस पे गया एक्स टू मान लो। ऐसे वाई पे, वाई पे कितना गया है, कहां पे कट किया हो आप, यहां पे वाई वन, और मैक्सिमम कितना वाई पे गया है, ये इसको नाम दे दीजिए वाई टू। ऐसे ये एक्स वन लिख दिया, ये एक्स टू, जहां कट किया है और मैक्सिमम जितना जा सकते हो आप एक्स एक्सिस पे इस ग्राफ के हिसाब से, वो एक्स टू लिख दिया। वाई एक्सिस पे जहां कट किया है इस एलिप्स ने, ये, और मैक्सिमम जो आप जा सकते हो इस ग्राफ के हिसाब से वाई एक्सिस पे वाई टू है। तो इसका फेज डिफरेंस, ये मान लीजिए हमने कहा कि लिसाजस पैटर्न है। क्या है ये लिसाजस पैटर्न? जो स्क्रीन है हमको ये दिख रहा है, स्क्रीन जो है उस पर मुझे ऐसा दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये वैल्यू कुछ होगी, ये एक्स वन, और भाई ग्राफ जो है मान लीजिए कुछ इस तरीके से चला है, ये हो गया एक्स वन और ये जो वैल्यू होगी दिस वन, ये हो गया एक्स टू, ये हो गया वाई वन, और ये जो वैल्यू होगी होगी वाई टू। ये लिसाजस पैटर्न है। अगर इस लिसाजस पैटर्न को देख करके मुझे कैलकुलेट करना हो व्हाट इज फेज डिफरेंस, और ये वैल्यू दे रखी हो, एक्स वन दे रखा हो, एक्स टू दे रखा हो, या वाई वन और वाई टू, तो मैं फेज डिफरेंस निकाल सकता हूं। बात समझ में आ रही है? ये क्या बना रखा है मैंने, ये लिसाजस पैटर्न है। कहां बनता है ये? बिल्कुल स्क्रीन पे बनता है सीआरओ की, ठीक है, सीआरओ की स्क्रीन पे बनता है। यस रवि गुप्ता, इट इज दीर्घवृत्त, इलिप्स मींस, ओके, ये सीआरओ की स्क्रीन पे बना हुआ लिसाजस पैटर्न है। ये लिसाजस पैटर्न बना है तो इसके इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा वो मान लीजिए अगर मुझसे पूछ लिया जाए, क्योंकि अलग अलग फेज डिफरेंस के लिए शेप अलग अलग बनेगा, कभी ये दीर्घवृत्त बिल्कुल पतला हो जाएगा, कभी चौड़ा हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, वो शेप डिपेंड करेगा दोनों के बीच फेज डिफरेंस पे। मैंने कहा ये अगर लिख रखा हो, ये एक्स वन वैल्यू पता हो, ये वैल्यू पता हो, या ये वैल्यू पता हो, ये वैल्यू पता हो, तो हम फेज डिफरेंस का एक फार्मूला लिख रहे हैं जो आप यूज कर सकते हो। देखिए अगर आपका जो पैटर्न है, देखिए इफ यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए पहला इफ ग्राफ या पैटर्न इज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, अगर लिसाजस पैटर्न ऐसा बना है और वो फर्स्ट और थर्ड में फैला हुआ है, फर्स्ट सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ, मेनली ऐसे फैला हुआ है, ये एक्स वन है, एक्स टू है, वाई वन है, वाई टू है, तो फेज डिफरेंस का क्या फार्मूला है? अगर इस ग्राफ को देख के फेज डिफरेंस बताना हो, लेकिन ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, पता है तभी निकाल पाओगे, तो फेज डिफरेंस का फार्मूला क्या है पता है? फाई का फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स वन अपान एक्स टू, साइन इनवर्स एक्स वन अपान एक्स टू, ये फाई फेज डिफरेंस हो गया। जिन दो सिग्नल को अप्लाई किया गया एक्स और वाई प्लेट के, उनके बीच का फेज डिफरेंस है फाई। अभी क्वेश्चन करेंगे 10-15 मिनट बाद तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पहले आप देखो ध्यान से केवल, ठीक है। फाई हो गया साइन इनवर्स एक्स वन अपान एक्स टू, दिस अपान दिस, या फाई हो गया साइन इनवर्स वाई वन अपान वाई टू, आप ये भी लिख सकते हो y1 अपन y2। लेकिन अगर ये लंबाई और ये लंबाई पता है तो, या ये लंबाई पता है तो साइन इनवर्स x1 बटे x2 या साइन इनवर्स y1 बटे y2।
ये कहानी है फेज डिफरेंस की। एक फेज डिफरेंस तो ये पॉसिबल है। अब किसी भी लिसाजस पैटर्न के लिए जो एक फेज डिफरेंस पॉसिबल है फाई, दूसरा एक फेज डिफरेंस और पॉसिबल होता है वो होता है 380 में 360 में से घटा करके, 360 में से घटा करके। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है। अदर पॉसिबिलिटी ऑफ फेज डिफरेंस, अदर पॉसिबिलिटी क्या है वो है, इसको घटा दो आप किसमें से, 360 में से, माइनस इस फाई को 360 में से घटा दो, एक दूसरी पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। बात आ रही समझ में? इस टाइप के लिए आप ऐसे निकालोगे। और अगर ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से होता, मान लीजिए ऐसे, अगर दूसरी दूसरा वाला केस है, अगर ग्राफ हमारा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ध्यान से देखो, इफ ग्राफ या पैटर्न इज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ऐसे, ये एक्स है और ये वाई है, ये हो गया आपका जहां कट किया हो, ये हो गया एक्स वन, और यहां पे जो थोड़ा और आगे बढ़ जाओ ये हो गया एक्स टू, वाई पे जहां कट किया हो वो हो गया वाई वन, और मैक्सिमम जो यहां पे वाई पे हो गया वो हो गया वाई टू, एक्स वन एक्स टू। तो यहां पे आपका जो फेज एंगल है ये होगा आपका क्या, यहां पे अगर आप फेज एंगल निकालोगे फाई तो क्या होगा, ये होगा 180 माइनस साइन इनवर्स एक्स वन अपान एक्स टू, या 180 माइनस साइन इनवर्स वाई वन अपान वाई टू। एक पॉसिबिलिटी ये है ये, और दूसरी पॉसिबिलिटी अदर पॉसिबिलिटी हो गई आपकी, 360 में से इसी फाई को घटा दो, जो फाई आए ये वाला इसको 360 में से घटा दो। लेकिन ऐसे आप तभी निकालोगे जब वैल्यूज पता हो न्यूमेरिकल में, ये पता हो या ये पता हो या ये पता हो या ये पता हो तो आप निकालोगे। तो अगर आपका ये फर्स्ट और थर्ड के बीच में फैला हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाओगे आप, और अगर सेकेंड और फोर्थ के बीच में से खिंचा हुआ है तो आप क्या करोगे 180 माइनस वाला फार्मूला लगाओगे, और जितना आएगा, एक तो ये संभावना फेज डिफरेंस की, दूसरा इस जितना आया ये उसको 360 में से घटा दो। तो 360 में से तो हमेशा घटाना है, जैसे ये जितना है एक ये संभावना, दूसरा 360 में से घटाओ, ये जितना है एक उतनी संभावना, दूसरा 360 में से घटाओ। हां, जब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में होगा तो ये लगाओगे, और जब सेकंड और फोर्थ में होगा तो यहां से फाई निकालोगे आप। लेकिन ये तब लगाएंगे जब x1 x2 या y1 y2 पता हो। बात आ रही समझ में? ये फार्मूला मैंने लिखा, इसका मतलब समझ में आ रहा है? अभी एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा। और हमेशा किसी पैटर्न, किसी ग्राफ, किसी लिसाजुस पैटर्न के लिए अगर फेज डिफरेंस पता है इतना, तो एक और संभावना फेज डिफरेंस की है। कितनी? जितना है ना उसको 360 में से घटा दो, वो तो हर जगह वैलिड है। यानी ये आया इसको से घटा दो, ये पूरा आया ये पूरा इसको 360 में से घटा दो। हाँ, अगर इस केस के बीच में खिंचा हुआ है फर्स्ट थर्ड के बीच में तो ये वाला फार्मूला, सेकंड फोर्थ के बीच में खिंचा हुआ है ग्राफ तो ये वाला फार्मूला लगाओगे। आप यहां पे x1 बटे x2 या पे y1 बटे y2 भी लिख सकते हो। एक चीज तो ये है, ठीक। हम चर्चा करेंगे किस केस के बीच में फेज डिफरेंस जीरो है, 60 है, 90 है, 360 है, तो किस शेप का आपका लिसाजस पैटर्न आएगा। प्रशांत बोले सर ग्राफ तो किसी भी शेप में आ सकता है। बिल्कुल, ग्राफ किसी भी शेप में आ सकता है। यस, अभी मैं चर्चा कर रहा हूं अलग अलग शेप के ग्राफ की। शिवनंदन बोले सर एक और सेकंड में हो तब? सर एक और सेकंड में नहीं मिलेगा, वो एक और सेकंड में नहीं मिलेगा, वो नॉर्मली खिंचा रहेगा इसके इसके बीच में, लाइक दिस या लाइक दिस, ऐसे या फिर ऐसे, एलिप्स है ये। विवेक का कहना है सर अगर हमें एक्स वन और एक्स वाई वन ना मालूम हो तो सर हाउ वी विल फाइंड फेज डिफरेंस। देखो तीन चार प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, अभी पहले प्रकार की चर्चा मैंने की है, फिर दूसरे प्रकार की करूंगा, फिर तीसरे प्रकार की करूंगा, तो सारी वैरायटी इसकी कवर हो जाएगी। पहले आपने ये देखा
क्या अभी न्यूमेरिकल मान लीजिए मैं दे दूं, ये दे दूं एक्स वन, ये दे दूं एक्स टू, पूछ लूं फेज डिफरेंस कितना है, सिर्फ लिसाजोस पैटर्न देखो और एग्जैक्ट फेज डिफरेंस बताओ कितना होगा, तो वो फॉर्मूला लगाओगे 180 में से घटा के, क्योंकि इसके इसके बीच में बिखरा है। अगर इसके इसके बीच में खिंचा होता तो फिर आप सीधे ये फॉर्मूला लगाते, ये लगा लो या ये लगा लो, और अगर इसके इसके बीच में खिंचा हुआ है तो साइन इनवर्स एक्स1 अपॉन एक्स2 या साइन इनवर्स वाई1 अपॉन वाई2 कुछ भी लगा लो, बट ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। आइए जैसे एक क्वेश्चन कर देते हैं इस पे, पहले लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन सो दैट योर डाउट इज क्लियर्ड। हमारा एक प्रश्न आया कि एक सीआरओ की स्क्रीन पे लिसाजस पैटर्न जो दिख रहा है वो मैंने बना दिया, इसको देख करके बताओ कि व्हाट इज एग्जैक्ट फेज डिफरेंस। मान लीजिए मैंने ऐसे बता दिया सी, लिसाजस पैटर्न दे रखा है आपको, कुछ इस टाइप का, मान लीजिए इसको हमने दे दिया कुछ, ये मान लीजिए है 2√2 या 2 मान लीजिए है केवल, ये मान लीजिए है √2 और ये दे रखा है 2 है केवल, ये लिसाजस पैटर्न बना रखा है। देखिए देखिए हमने कहा ऐसा शेप बना रखा है, देखो ये जो शेप है ना ये कई प्रकार का हो सकता है, कई बार हो सकता है बिल्कुल पास पास हो, देखो इलिप्स जो है ना आप जो रट के बैठते हो, इलिप्स बहुत पतला हो सकता है या हो सकता है थोड़ा सा मोटा हो, कई संभावनाएं हो सकती हैं, तो एंगल पे डिपेंड करता है, वो जो एंगल है उस पर निर्भर करता है। अभी आएगा एंगल तो देखोगे आप, ये लिसाजोस पैटर्न बना दिया, ये √2 दे दिया, ये 2 नाम दे दिया, हमने कहा इसका फेज डिफरेंस कितना होगा, फाइंड फेज डिफरेंस। फाइंड फेज डिफरेंस का मतलब जो आपने एक्स और वाई प्लेट पे इनपुट लगाया है उन दोनों इनपुट्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, व्हाट इज फेज डिफरेंस। हमने कहा जो एक्स और वाई प्लेट पे दो साइनोसॉइडल्स दिए हमने, दो इनपुट, उन दोनों इनपुट के बीच में व्हाट विल बी फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला सीधे सीधे है, क्या ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में है, सेकंड और फोर्थ के बीच में होता दूसरा फॉर्मूला लगाते, ये फर्स्ट और थर्ड के बीच में है, तो फॉर्मूला क्या होगा फेज डिफरेंस का, फाई बराबर साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन एक्स टू, दिस इज एक्स वन एंड दिस इज एक्स टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स वन कितना है √2 अपॉन एक्स टू कितना है 2 होगा, नहीं इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स √2 को √2 रहने दो, 2 को आप लिख सकते हो क्या √2 इंटू √2, एक √2 से √2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया ये साइन इनवर्स 1 अपॉन √2, तो साइन के किस एंगल की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन के किस एंगल की वैल्यू 1/√2 होती है, तो आपको मिल गया फाई बराबर साइन इनवर्स 1 अपॉन √2,
ठीक है, अगर यहाँ पे आप निकालना चाहोगे फाई की वैल्यू, तो साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है, साइन 45 डिग्री, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, फाई हो गया कितना 45 डिग्री। यानी ये जो लिसाजस पैटर्न बना है, दो इनपुट दिया, एक एक्स पे एक वाई पे, उन दोनों के लिए एक लिसाजस पैटर्न बना और ये वैल्यू दे रखी थी। अब इसको देख करके हमने बता दिया कि इसके इसके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा फाई, वो कितना होगा 45 डिग्री। एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, एक इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, विवेक चंदन शिवनंदन, बात आ रही समझ में, फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। दूसरी वैरायटी, अगर ये ऐसे होता तो फिर क्या करते आप, मान लीजिए ऐसे होता लाइक दिस। हाँ एक चीज और, अगर एक फेज डिफरेंस 45 पॉसिबल है तो दूसरा कितना हो सकता है, दूसरा हो सकता है 360 माइनस 45, हो सकता है नहीं, कितना हो जाएगा इस 50, तो 315 डिग्री, एक पॉसिबिलिटी है 315 डिग्री की, एक 45 डिग्री भी हो सकता है और एक 315 डिग्री भी हो सकता है, जो फेज डिफरेंस निकल के आए उसको फिर 360 में से घटा दो, दो पॉसिबिलिटी है हमेशा फेज डिफरेंस की, वन इफ वन फेज डिफरेंस इज फाई, अनदर इज 360 माइनस फाई। अरे देखो कोई भी, ये लाइन है, देखो मैं कहूं ये लाइन कितना एंगल बनाती है, आप कहोगे थीटा, अरे इधर से थीटा बनाती है, उधर से कितना बनाती है रे चिंटू बोल, इधर से थीटा बनाती है उधर से कितना बना रही है, अच्छा इधर से थीटा है तो इधर से पूरा एंगल एक पॉइंट पे 360 बनता है, इफ दिस इज थीटा दिस होल विल बी 360 माइनस फाई, दिस 360 माइनस थीटा। तो अगर एक फेज डिफरेंस पता है ये वाला, तो दूसरी भी संभावना है ये वाली, ये वाली क्या होगी, पूरा 360 है, ये थीटा है तो 360 माइनस थीटा, या मैं कहूं कि ऐसी कहानी है, देखिए ऐसी है कहानी, ये 135 डिग्री, एक पॉसिबिलिटी है तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो होगी, और ये कितनी होगी 360 में से 135 को घटाओ तो 360 माइनस थीटा। तो जो भी फेज डिफरेंस आ रहा हो, एक वो तो है ही, एक दूसरी संभावना और है कि 360 में से घटाने के बाद जो मिले, दो पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन में दोनों भी हो सकता है। किसी भी टॉपिक को सीखने का तरीका है, फर्स्ट स्टडी द थियरी ऑफ टॉपिक एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस, दीज टू आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू लर्न एनीथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा हमारे पास दो प्लेट है, एक एक्स और एक वाई, दोनों को हमने इनपुट दिया, दोनों को हमने इनपुट दिया और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है फाई। अब दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा, तो जो सीआरओ की स्क्रीन पे पिक्चर बनेगी वो अलग अलग शेप की बनेगी, मैं उस शेप की चर्चा करता हूं। देखो अगर पहली पॉसिबिलिटी, इफ फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर फाई 0 डिग्री हो या 360 डिग्री हो, यानी इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस या तो 0 डिग्री का हो या तो 360 डिग्री का हो, 0 डिग्री को 360 बोल ही सकते हैं, तो लाइन कैसी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और कैसे स्ट्रेट लाइन, कैसे इस तरीके से, मान लीजिए एक्स है ये वाई है, तो स्ट्रेट लाइन है, मगर किसमें खिंची हुई है, 1, 2, 3 एंड 4, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में स्ट्रेट लाइन होगा। अगर दोनों प्लेट के बीच में जो सिग्नल दिया गया है फेज डिफरेंस 0 हो, यानी दोनों सेम फेज में हो, या कोई फेज डिफरेंस ना हो, 0 डिग्री का मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं, या 360 डिग्री का फेज डिफरेंस हो, 360 डिग्री का मतलब 0 ही होता है, देखो यहां से स्टार्ट करो, ये 0, ये 90, 180, 270, फिर 360, तो 0 और 360 तो एक ही दिशा में होते हैं, वैसे भी अगर एक 0 है तो दूसरा तो 360 माइनस 0, 360 हो ही सकता है। तो आपका जो ग्राफ होगा लिसाजियस पैटर्न का, ये होगा स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन कैसा, जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास हो रहा हो, यह भी याद रखना जरूरी है, स्ट्रेट लाइन पासिंग विद फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, एक ये है। दूसरा, अगर फेज डिफरेंस 180 डिग्री है, सॉरी 180 डिग्री,
फेज डिफरेंस अगर 180 डिग्री है तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो भी आपका लिसाजस पैटर्न स्ट्रेट लाइन ही होगा अगर इसके इसके बीच का फेज डिफरेंस कितना है 180 डिग्री। ये मान लीजिए ओमेगा टी है, ओमेगा टी प्लस 180 हो गया या ओमेगा टी माइनस 180 हो गया, अगर 180 है तो आपका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। लिसाजस पैटर्न जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, मगर इस बार स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये फोर्थ। दिस इज आल्सो स्ट्रेट लाइन पासिंग विद, स्ट्रेट लाइन पासिंग विद सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। स्ट्रेट लाइन 0 और 360 पे, स्ट्रेट लाइन 180 पे भी, ठीक है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है तो ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, क्या पूछेगा कि अगर लिसाजस पैटर्न जो बना है वो स्ट्रेट लाइन है। मैं सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, हमने कहा कि सीआरओ में जो लिसाजस पैटर्न बना है, जो ग्राफ बना है वो स्ट्रेट लाइन है, तो फेज डिफरेंस कितना हो सकता है, फेज डिफरेंस हो सकता है कितना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, क्या पॉसिबिलिटी है। जो लिसाजस पैटर्न बना है उसका शेप है स्ट्रेट लाइन, नहीं हमने बताया कि ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, मैंने बस आपसे बोला तो फेज डिफरेंस कितना होगा। अगर स्ट्रेट लाइन है तो या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है, अगर ऐसे हुआ तो या तो 0 होगा या तो 360 होगा, ऐसे हुआ तो 180 होगा, और दूसरा इसमें निकालोगे फिर 180 को 360 में से घटा दो फिर 180 मिलेगा, यानी 180 हो सकता है या 0 हो सकता है। इसमें ऑप्शन में क्या दिख रहा है, केवल 0 दिख रहा है, 0, 180 है ही नहीं, देखिए तो ऑप्शन मिला। क्वेश्चन आएगा कि आपने लिसाजस पैटर्न देखा स्ट्रेट लाइन, तो फेज डिफरेंस क्या होगा जो दोनों प्लेट पे आपने इनपुट अप्लाई किया उसके बीच में, ऑप्शन ये दे रखा है। तो स्ट्रेट लाइन के दो पॉसिबिलिटी, या तो ये होगा फेज डिफरेंस 0 या तो 180, ऑप्शन में 180 है ही नहीं तो 0 टिक कर दो, या अगर ये मैं दे देता एक ऑप्शन दे देता 180 डिग्री, आप बताओ क्या टिक करते, कि जो पैटर्न मिला है फिगर मिला है वो स्ट्रेट लाइन है तो फेज डिफरेंस क्या हो सकता है इसके इसके बीच, 180, 90, 30, 45, या तो 0, 360 बोल लो या तो 180 बोल लो, इस ऑप्शन को देखो 180 डिग्री होगा, दोनों नहीं देगा 0 और 180 नहीं, अगर 0 और 180 दोनों दे रहा तो फिर कहेगा कि स्ट्रेट लाइन पासिंग विद फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट देगा या सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट देगा, तो अगर फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और थर्ड से पास हो रही है तो या तो 0 होगा या तो 360 होगा, और अगर सेकंड और फोर्थ से के बीच में खींची है तो फिर आपका 180 होगा। बात आई समझ में, तो स्ट्रेट लाइन के केस में एक पॉसिबिलिटी ये, दूसरी पॉसिबिलिटी ये, इसके केस में या तो ये होगा, इसके केस में ये होगा, ये होगा तो 360 में से घटा के दूसरा फेज डिफरेंस भी आप बता सकते हो। बात आ रही समझ में, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि ग्राफ होगा कैसा, आया ऐसा कैसे ये मैं नहीं बता रहा हूं, ना तो आपके काम का है कि स्ट्रेट लाइन ही क्यों आया, फिर सर्कुलर आएगा तो क्यों आएगा, उसमें टाइम बहुत लगता है और फायदा कुछ नहीं होता, ये रिजल्ट आप याद रखो, यहीं से आपके एग्जाम के क्वेश्चन बनेंगे, दैट्स इट। बात आ रही, सिप्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिप्रा, चंदन, प्रदीप, चलिए ये एक दो तीसरा मैं लिख रहा हूं, देखिए इफ फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर फाई 90 डिग्री हो गया तो पता है आपका लिसाजस पैटर्न कैसा होगा, लिसाजस पैटर्न होगा बिल्कुल सर्कल, सर्किल बना नहीं है थोड़ा सा सिमेट्रिकल में, बट सर्किल ही होगा, आप लोगों को पता है जहां जहां गोला बनाना पड़ता है मेरी हालत खराब हो जाती है, दिस इज सर्किल। तो अगर फेज 90 डिग्री है तो लिसाजस पैटर्न कैसा होगा, सर्कल होगा। यह बहुत मशहूर है कि अगर स्क्रीन पे मुझे सर्किल दिख रहा हो, सीआरओ के स्क्रीन पे मुझे गोला दिख रहा हो, तो इसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल प्लेट और वर्टिकल प्लेट के बीच में जो इनपुट सिग्नल दिया है आपने, एक हॉरिजॉन्टल पे इनपुट सिग्नल दिया है, एक वर्टिकल पे दिया है, दोनों सिग्नल के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, तो 90 डिग्री। तो सीआरओ की स्क्रीन पे हम आकृति देख करके फेज डिफरेंस का अंदाजा लगा लेंगे, जैसे ही हमको सर्किल मिला हमने बोला फेज डिफरेंस 90, जैसे ही हमने क्या मिला ऐसे मिला हमने बोला फेज डिफरेंस 180, जैसे हमें ग्राफ ऐसे मिला हमने बोला 0 या 360। जस्ट बाई ऑब्जर्विंग द शेप ऑन द स्क्रीन यू कैन प्रिडिक्ट
what is phase difference between the two signals which are applied between horizontal plate and vertical plate. बात आ रही समझ में आ नहीं, सर्किल वाला याद रहेगा, एक तो ऐसे पूछ लेगा 90 डिग्री है तो क्या होगा, मैं आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछ रहा हूं। यस, विवेक ने आंसर दिया है, अगर फेज डिफरेंस 90 है तो सर्किल होगा, फेज डिफरेंस 90 को दूसरे तरीके से और क्या लिख सकते हैं, अरे फेज डिफरेंस 90 को दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, 90 को 360 में से घटाओ, 360 माइनस 90 कितना हो गया 270, तो फेज डिफरेंस अगर 270 है तो भी सर्किल ही बनेगा। मैंने कहा 90 पे सर्किल बना, 90 को आप एक और तरीके से बोल सकते हो क्या, 360 माइनस 90 कितना हो गया 270, फेज डिफरेंस अगर इसके इसके बीच 90 हो या इसके इसके बीच 270 हो तो सर्किल बनेगा, ये निष्कर्ष है। फेज डिफरेंस इसके इसके बीच 0 हो या 360 हो तो स्ट्रेट लाइन बनेगा फर्स्ट और थर्ड के बीच में जाता हुआ, और अगर फेज डिफरेंस इसके इसके बीच में 180 है तो आपका ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन सेकेंड और फोर्थ से जाता हुआ। क्वेश्चन अगर आ जाए आपके एग्जाम में कि हमारी स्क्रीन पे टीवी स्क्रीन पे नहीं, सीआरओ की स्क्रीन पे जो ग्राफ दिख रहा है वो सर्कुलर शेप का है, बिल्कुल सर्किल है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, पहला आया 30 डिग्री, दूसरा आया 180 डिग्री, तीसरा आया 360 डिग्री, चौथा आया 0 डिग्री और पांचवा आया 270 डिग्री, तो क्या टिक करोगे, हमारी स्क्रीन पे जो ग्राफ दिख रहा है वो सर्किल है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, ऑप्शन देखो 30, 180, 360, 0, 270, मैं 90 ढूंढ रहा हूं, 90 तो है ही नहीं, तो नन लगा हुआ तो नन टिक करके चले आओगे क्या, नन टिक करके चले आओगे, अरे नहीं 90 को ही 270 बोल सकते हो आप, 270 डिग्री या तो 90 होगा या तो 270 होगा, या ऐसे भी हो सकता है 90 डिग्री और 270 डिग्री, बात कहने का मतलब एक ही है। अजय मानहस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनीत नेगी का कहना है सर राजस्थान बिजली विभाग में जेई की जॉब आई है या फेक विज्ञापन है नेट पर, मैंने देखा नहीं विनीत, आजकल तो जितना रियल नोटिफिकेशन आता है उतना ही फर्जी बना के लोग भेज देते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट बेनिफिट दे गेट, अगर फर्जी सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन कोई बनाता है तो क्या होने, इस लखनऊ मेट्रो का क्या हुआ था कि फर्जी वेबसाइट ही बना दी थी फॉर्म भरने के लिए, वो तो समझ में आता है कि लोग फॉर्म भरेंगे तो पैसा उनके अकाउंट में जाएगा, मगर नोटिफिकेशन फर्जी बना के क्या फायदा होता है, आई डोंट अंडरस्टैंड। चलिए चंदन विवेक रवि मानहस बात आई समझ में, तो 270 डिग्री टिक कर दोगे, तो यानी अगर 90 हुआ या 270 हुआ तो बनेगा सर्किल, 0 या 360 हुआ तो बनेगा ये लाइन, 180 हुआ बनेगी ये लाइन, ये तीन है जो बहुत कॉमन है आपके एसएससी जे एग्जाम में, मुस्कुराता हुआ और दिल को गुनगुनाता हुआ एक क्वेश्चन आएगा कि हमारी सीआरओ की स्क्रीन पे बना हुआ जो शेप है वो सर्कुलर शेप है, सर्किल है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, ऑप्शन में रहेगा मान लीजिए 90 डिग्री तो टिक करोगे 90 डिग्री, छोड़ के जाओगे अगर मान लीजिए तो पता ही नहीं रहेगा क्या होगा, अब इसमें कौन सी मैकेनिज्म लगानी है, कुछ भी तो नहीं, जस्ट रिमेंबर इट, आ गया तो टिक कर दोगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो आएगा, आप 4-6 एग्जाम दोगे तो कहीं ना कहीं टकराएगा जरूर, अब जरूरी नहीं कि आप पढ़ के जाओ तो इस एग्जाम में आ ही जाएगा, लेकिन आप एक 6-7 एग्जाम दोगे तो कहीं ना कहीं टकरा जाएगा। रवि गुप्ता का ना सर स्ट्रेट लाइन कैसे 90 या 270 बनाएगी, ना ना स्ट्रेट लाइन से एंगल मत नापो आप रवि, स्ट्रेट लाइन से एंगल मत नापो कि कैसे 90 या 270 बनाएगी, ये जो सारा ग्राफ आप देख रहे हो इस ग्राफ को बनाने का समझाने का एक तरीका है कि कैसे कैसे ये ग्राफ आया, बात आ रही समझ में आपको, ये ग्राफ आया कैसे ऐसा वो आपके काम का नहीं है, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, तो ग्राफ है क्या रिजल्ट फाइनल वही एग्जाम में आता है, किसी भी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ जेई से लेके एई तक, वही रिजल्ट आपको याद रखना है, बस मैंने ये कहने का मतलब था कि एक फेज डिफरेंस आपने निकाला वो फेज डिफरेंस इसके इसके बीच का है भाई, फेज डिफरेंस इसके इसके बीच का मतलब समझ रहे हो, मैंने कहा एक क्वांटिटी ये है V1, दूसरी क्वांटिटी ये है V2, ध्यान से देखो इसके इसके बीच का एंगल है थीटा, फेज डिफरेंस आपने निकाल लिया थीटा, एक क्वांटिटी है V1 या VX मान लो, लो दूसरी क्वांटिटी है V2 VY मान लो, इसके इसके बीच का मिल गया एंगल थीटा, तो फेज डिफरेंस तो मिल गया VX VY के बीच का थीटा, तो अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या हो सकता है, अरे एक थीटा है तो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है सर, कितना
पूरा 360 है, ये थीटा है, तो कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो जो आप फेज डिफरेंस निकाल रहे हो, ये लिसाजोस पैटर्न का फेज डिफरेंस थोड़ी है, ये फेज डिफरेंस इन दोनों साइनोसॉइडल क्वांटिटी के बीच का है, इसके इसके बीच का फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं हम। तो अगर इसके इसके बीच का फेज डिफरेंस मैं कहूं 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री तो है सही मान लो। दूसरा ऑप्शन हो सकता है 360 माइनस 30, दैट इज 330। अगर मैं कहूं इसके इसके बीच का एंगल 200 डिग्री है, 200 तो सही है, एक ऑप्शन हो सकता है 360 माइनस 200 160, यानी अगर ये पता चल गया तो एक एंगल ये भी तो इस रूप में भी तो बता सकते हैं, तो 360 माइनस थीटा कर दो। ये बार बार मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो फेज डिफरेंस मैं बता रहा हूं वो इसके इसके बीच का कोण है, लिसाजियस पैटर्न का कोई फेज डिफरेंस थोड़ी है। लिसाजियस पैटर्न को देख करके हम फेज डिफरेंस इनके इनके बीच का बता रहे हैं। I can calculate, I can find the phase difference between this and this quantity by observing this pattern. रवि गुप्ता का कहना है सर सर्किल होगा तो 90 या 270 यही आया था डीएमआरसी में, मैंने छोड़ दिया। माउस बार बार 90 और 180 पर घूम रहा था, फाइनली दिल बोला स्किप दिस क्वेश्चन। अच्छा आया था ये क्वेश्चन आपके डीएमआरसी में, रवि गुप्ता का कहना है यही आया था 90 या 270 में से और फाइनली छोड़ दिया इन्होंने। विवेक विश्वकर्मा बोल रहे हैं बट इफ सर्किल में डायरेक्शन दिया हो तो हाउ वी कैन फाइंड, वो बताते हैं। प्लस होता है तो क्लॉक वाइज घूमते हैं और माइनस होता है एंटी क्लॉक वाइज घूमते हैं, ठीक है। रवि का कहना है एनएमआरसी में आया था सीआरओ कैन मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, उसमें ऑप्शन था फेज डिफरेंस। ओहो तो ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे, देखो फेज डिफरेंस आप नाप रहे हो। चलिए तीन तो आपने देख लिया, अब देखो ये तीन तो सेफ हो गए, स्ट्रेट लाइन और सर्किल। अब इसके अलावा और कोई फेज डिफरेंस अगर हुआ इन दोनों के अलावा, मतलब जीरो के अलावा, 360 के अलावा या फिर 180 के अलावा, तो फिर आपका जो शेप आएगा वो शेप आएगा एलिप्स का। देखिए अगर फेज डिफरेंस, देखिए शेप ऑफ लिसाजुअस पैटर्न इज एलिप्स, शेप ऑफ लिसाजियस पैटर्न इज एलिप्स, शेप ऑफ लिसाजियस पैटर्न इज एलिप्स इफ फाई इज नॉट जीरो डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। यानी अगर फाई 0, 360, 180 और 90 के अलावा कुछ और है तो शेप कैसा होगा, एलिप्स का होगा। एलिप्स का मतलब दीर्घवृत्त, एलिप्स का मतलब है दीर्घवृत्त। 0 होगा अगर फेज डिफरेंस तो क्या शेप होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग विद फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। 360 होगा तो वही फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। 180 होगा तो स्ट्रेट लाइन पासिंग विद सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। 90 होगा क्या होगा, सर्किल। ये चार तो फिक्स हैं, अगर इनके अलावा कोई और है तो कैसा शेप होगा, एलिप्स का, ठीक है एग्जाम के लिए। अब देखो जरा, हमने ये कहा अब जो फेज डिफरेंस है फाई इट इज लेस देन 90 डिग्री, तो जो आपका एलिप्स होगा वो किस में होगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। आपका जो ग्राफ होगा वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और अगर आपका फाई 90 डिग्री से ज्यादा है तो आपका जो ग्राफ होगा एलिप्स का वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। यानी इन चारों के लिए तो फिक्स है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ऐसी वाली, स्ट्रेट लाइन सर्किल,
इसके अलावा और कोई एंगल आ गया तो एलिप्स। अब एलिप्स कैसे बन सकता है, अगर 90 से कम एंगल है तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में एलिप्स बनेगा खींचा हुआ, और 90 से ज्यादा है तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बना होगा। एग्जांपल देखो, हमने कहा अगर फाई की वैल्यू 30 डिग्री है, एग्जांपल के तौर पे एक अंदाजा लगा रहे हैं हम, तो 30 डिग्री है तो क्या इसमें से है क्या कुछ? नहीं सर। तो स्ट्रेट लाइन बनेगा क्या, सर्किल बनेगा क्या? नहीं नहीं बनेगा सर। क्या बनेगा? एलिप्स बनेगा। ठीक है, 90 से कम है तो किसमें बनेगा? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में बनेगा, फर्स्ट और थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड के बीच में एलिप्स बनेगा कुछ इस तरीके से। बात आ रही समझ में? तो फेज डिफरेंस अगर 30 डिग्री है तो ऐसे से बन गया। अब 30 डिग्री को एक नाम और दे सकते हैं हम, क्या? 360 माइनस 30 तो 330। तो अगर फेज डिफरेंस 30 हो या 330 हो तो ग्राफ ऐसे बनेगा। नहीं आई बात समझ में? अरे फेज डिफरेंस 30 पे तो ऐसे बना दिया, फेज डिफरेंस 30 का दूसरा नाम क्या हो सकता है? 360 माइनस 30 तो 330, 330 हो फेज डिफरेंस या 30 हो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, एलिप्स है। देखो एंगल जितना कम करते जाओगे ये बिल्कुल सिकुड़ता चला जाएगा, सिकुड़ता चला जाएगा। एंगल अगर 30 से बढ़ाते जाओगे तो फैलता चौड़ा होता चला जाएगा। भाई एलिप्स ऐसे भी बन सकता है, देखो थोड़ा चौड़ा वाला भी बन सकता है, थोड़ा बिल्कुल पतला वाला बिल्कुल चिपट के बन सकता है, कुछ ऐसे बन सकता है। तो एंगल जो है जितना कम करते जाओगे ये बिल्कुल पास पास आता जाएगा, बढ़ाते जाओगे तो फैलता जाएगा। जैसे 90 करोगे बिल्कुल सर्किल हो जाएगा, 0 कर दोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? 0 कर दोगे तो स्ट्रेट लाइन ही तो था, 90 कर दोगे तो बिल्कुल सर्किल बन जाएगा। तो अगर एंगल 30 डिग्री है मान लीजिए फेज डिफरेंस, तो शेप कैसा बनेगा? शेप आपका जो होगा दैट विल बी फर्स्ट और थर्ड के बीच में कुछ इस तरीके से, ऐसे। तो 30 डिग्री के लिए भी होगा, और 360 में से घटा दीजिए 330 डिग्री, ये एंगल हो ये एंगल हो, शेप ऐसे बनेगा एलिप्स का। दूसरा देखो जरा, हमने कहा एंगल 120 डिग्री है, फाई इज 120 डिग्री, तो शेप कैसा बनेगा? फेज डिफरेंस इस केस के बीच का अगर 120 डिग्री है तो शेप जो होगा लिसाजस पैटर्न का कैसा होगा? इसमें से है क्या कुछ है? नहीं। 0 या 360 होता तो स्ट्रेट लाइन ऐसे होता, ऐसे होता तो स्ट्रेट लाइन ऐसे होता, 90 होता सर्कुलर, 120 है, 120 में एलिप्स बनेगा। कैसा एलिप्स होगा? 90 से ज्यादा है ना, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में बनेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ का मतलब कुछ इस तरीके से खींचा हुआ, ठीक है, ऐसे खींचा हुआ कुछ इस तरीके से बनेगा। बात आ रही समझ में? अब 120 डिग्री को आप दूसरा नाम और क्या दे सकते हो? अगर फेज डिफरेंस 120 है, दूसरा एंगल 360 में से घटा दो, 360 में से घटा दो कितना हो जाएगा? 360 में से 120 को हटा दो, 0 में से 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से गया 240, 240 डिग्री। अगर 120 हो या 240 हो तो ऐसे बनेगा, सेकंड और फर्स्ट, सेकंड थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। बात आ रही समझ में? हमने कहा फाई की वैल्यू जो है 60 डिग्री है तो कैसा बनेगा? 60 डिग्री है तो 90 से कम है तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में बनेगा, फर्स्ट और थर्ड के बीच में, इसमें और इसमें बना दो ऐसे बस। अब 60 को आप क्या बोल सकते हो? 360 में से घटा दो, 360 में से 300 डिग्री, तो 120 या 240 होगा तो ऐसा बनेगा, 60 या 360, 300 है तो ऐसा बनेगा। तो आप एंगल देखो दोनों क्वांटिटी के बीच में और शेप आपको गेस करना है। एंगल देखा हमने वी एक्स और वी वाई के बीच में कितना है, क्या 0 है? 0 है तो स्ट्रेट लाइन बनाओ, 180 है स्ट्रेट लाइन बनाओ, 360 है तो स्ट्रेट लाइन बनाओ। हाँ 0 और 360 पे ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, 180 पे ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, 90 है तो सर्किल बनाओ, और कुछ है तो एलिप्स बनाओ। अब और कुछ में एलिप्स कैसे बनेगा? ऐसे ऐसे बनेगा जब 90 से कम होगा एंगल, और ऐसे ऐसे बनेगा जब 90 से ज्यादा होगा एंगल।
आ रही बात समझ में? बोलो अभी तक जितना पढ़ाया है, कोई डाउट हो तो बताइए। जितना पढ़ाया कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है सर? चंदन यस सर, आ रहा है। रवि गुप्ता नो डाउट, नो डाउट। तो आइए दो चार क्वेश्चन लिखता हूं और उसका आंसर बताइए। अंदाजा आपको लग गया? नब्बे से कम पे, नब्बे से ज्यादा पे क्या होगा? देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं एंड गिव मी द आंसर। पहला क्वेश्चन, लिसाजस पैटर्न बना रहा हूं मैं। दिस इज वन एंड दिस इज टू। हमने कहा फेज डिफरेंस बताओ। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस का मतलब जो एक्स और वाई प्लेट पे क्वांटिटी दी गई है ना, उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, ये लिसाजोस पैटर्न है। दूसरा क्वेश्चन, दिस इज वन एंड दिस इज रूट टू, ये है आपका फाइंड फेज डिफरेंस। ऑप्शन है आपका 40 225 50 35 पे फेज डिफरेंस है 60 45 330 और 35 और चलिए दो बताइए। ये लिसाजोस पैटर्न है, हमने कहा फेज डिफरेंस बताओ। देखो फेज डिफरेंस अगर मुझे बताना हो, मैं अंदाजा तो लगा सकता हूं, क्योंकि ग्राफ कितना मोटा कितना पतला है वो तो एग्जैक्ट डेटा जो रहेगा उसके हिसाब से। मगर ये एलिप्स है, इसका फेज डिफरेंस हमको ये पता चल गया कि 90 से कम होगा। ठीक है, 90 से कम वाला ही तो था फर्स्ट और थर्ड के बीच में, और 90 से ज्यादा के लिए सेकंड और फोर्थ के बीच में था। एक फेज डिफरेंस निकालते तो उसको 360 में से घटा देते थे। आइए इसका फेज डिफरेंस निकालते हैं। ये है एक्स, ये है वाई, दिस इज एक्स वन, दिस इज एक्स टू। फेज डिफरेंस क्या था? अगर फर्स्ट और थर्ड के बीच में था तो फेज डिफरेंस फाई क्या था? साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन एक्स टू। तो साइन इनवर्स एक्स वन कितना है? वन। एक्स टू कितना है? दो। तो साइन इनवर्स वन बाई टू, तो फाई हो गया आपका साइन इनवर्स वन बाई टू। साइन के किस एंगल की वैल्यू होती है? साइन 30 डिग्री की। फाई हो गया 30 डिग्री। एक तो 30 डिग्री हो गया फेज डिफरेंस। 30 डिग्री है क्या ऑप्शन में? नहीं है। होता तो 30 डिग्री टिक कर देते। नहीं है तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? 360 माइनस 30 एंड दैट इज 330 डिग्री। या तो 30 बोल दो या तो 330 बोल दो, 330 डिग्री होगा।
सिप्रा चंदन विवेक, इसका इसका आपको निकालना है फेज डिफरेंस, जो एक्स और वाई प्लेट के बीच में दो क्वांटिटी दी गई उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। ये दे रखा है, ये है एक्स और ये है वाई, ये जहां कट किया ये हो गया वाई वन और ये जहां कट किया वो क्या हो गया वाई टू। तो जब आपका ग्राफ सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में था तो फेज डिफरेंस कितना होगा, जब सेकेंड और फोर्थ में था तो फेज डिफरेंस कितना होगा, तो फेज डिफरेंस आपका था क्या, तो फेज डिफरेंस था फाइव बराबर 180 माइनस साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन एक्स टू या वाई वन अपॉन वाई टू। 180 माइनस साइन इनवर्स वाई वन कितना है एक, वाई टू कितना वन अपॉन रूट टू, आप लिख सकते हो 180 माइनस साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू को आप क्या लिख सकते हो साइन 45 डिग्री, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, 180 माइनस 45 डिग्री 135 डिग्री, 135 डिग्री आ गया, 135 डिग्री ऑप्शन में हो तो टिक कर दो, अब नहीं 135 दिख रहा है तो जो एंगल आया है इसको 360 में से घटा दो, जो आए उसको 360 में से क्या करो घटा दो, 360 माइनस 135 कितना आ जाएगा, ये आई थिंक 225 आएगा। होगा या नहीं होगा, अरे यहां 180 लगाना था रे चिंटू, 180 लगा के निकालो एक बार, अब जो आए फिर उसको 360 में से घटाओ, मुझे कई आंसर गलत मिले हैं। रवि का कहना है 45 या 315, सिर्फ ये फार्मूला थोड़ी है, ये फार्मूला सिर्फ जब इसके ऐसे ऐसे होता है तो है, और जब ऐसे ऐसे होता है तो 180 माइनस करके फार्मूला था, आया 135 फिर 360 में से घटाओ। होगा या नहीं होगा, विवेक विश्वकर्मा ये जो फार्मूला है दोनों के लिए सेम नहीं है, सिर्फ इतना है इस टाइप के लिए, और जब इस टाइप का आता है तो 180 माइनस आ जाता है, इसके साथ निकालो फिर जो आया, एक तो वो हो गया दूसरा 360 में से घटा दो उसको। बात आई समझ में, हाँ या ना, देखिए अब मैं एंगल बताऊंगा आपको, ग्राफ का नेचर बताना है। मैंने कहा फाइव जीरो तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा सर ऐसा, हमने कहा फाइव 360 डिग्री ग्राफ कैसा होगा सर, ग्राफ होगा ऐसा, हमने कहा फाइव 180 डिग्री ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ होगा सर ऐसा, ओके, हमने कहा फाइज 90 डिग्री ग्राफ कैसा होगा सर, ग्राफ होगा सर्कल, ओके, हमने कहा फाइज 35 डिग्री 90 से कम है तो एलिप्स होगा और फर्स्ट और थर्ड के बीच में होगा कुछ इस तरीके से, हमने कहा फाई है 225 डिग्री मान लीजिए लाइक दिस, तो 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है तो इसके इसके बीच में बना दो कुछ एलिप्स। So this was frequency.
अब आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा है टू फाइंड फ्रीक्वेंसी रेशियो। पहला तो यूज था फेज डिफरेंस पता करने का, हमने शेप देख करके पता कर लिया, अभी कुछ और क्वेश्चन करेंगे इसको डिस्कस करने के बाद। दूसरा टू फाइंड फ्रीक्वेंसी रेशियो, फ्रीक्वेंसी रेशियो का मतलब समझ रहे हो आप कि दोनों प्लेट पे जो आपने इनपुट दिया है वो इनपुट मैग्नीट्यूड में सेम है, फेज डिफरेंस में भी सेम है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो फ्रीक्वेंसी रेशियो पता कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा एक्स वाली जो प्लेट है उसको दिया क्या वीएम साइन ओमेगा वन टी, और वाई वाली प्लेट जो है ये हो गई वीएम साइन ओमेगा टू इंटू टी। देखो इस सिग्नल और इस सिग्नल की वैल्यू सेम है, इस सिग्नल और इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, सॉरी इस सिग्नल और इस सिग्नल का फेज डिफरेंस भी सेम है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं कहा ओमेगा वन टी हो या ओमेगा वन टी प्लस 30 डिग्री 40 डिग्री, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, फेज डिफरेंस नहीं होगा, वैल्यू भी सेम होगी। तो फ्रीक्वेंसी इसकी ओमेगा वन इसकी ओमेगा टू, इन दोनों फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है। जैसे आपने अभी जब फेज डिफरेंस निकाला था तो वहां पे क्या क्या सेम था, वोल्टेज की वैल्यू सेम थी और फ्रीक्वेंसी सेम थी, तो फेज डिफरेंस निकाला था। यहां पे आप फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालोगे किसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी का अनुपात क्या होगा, तो इसकी इसकी वोल्टेज की वैल्यू सेम, दोनों का फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो टू फाइंड फ्रीक्वेंसी रेशियो मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड फेज डिफरेंस मस्ट बी सेम, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो। अब देखिए क्या फार्मूला है इसका, एफ वाई अपान एफ एक्स क्या है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज अपान नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसीज। ये भी क्वेश्चन से समझ में आएगा, या आप इसको लिख सकते हो एफ वाई बराबर एफ वाई बटे एफ एक्स क्या कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लिसाजस पैटर्न, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लिसाजस पैटर्न विद हॉरिजॉन्टल टेंजेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ, रवि आ रहा है समझ में या नहीं, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लिसाजस पैटर्न विद वर्टिकल टेंजेंट। एफ वाई क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल applied to horizontal plate जो कि vertical deflection करती है, horizontal plate और y plate, और fx क्या है, frequency of signal applied to वर्टिकल प्लेट हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन करती हैं, वर्टिकल प्लेट और एक्स प्लेट, इसका क्या मतलब है आइए देखते हैं। रवि बोल रहे हैं आ रहा है सर। देखिए अब हमें फेज डिफरेंस नहीं निकालना है, क्यों सर, फेज डिफरेंस है ही नहीं,
अच्छा फेज डिफरेंस नहीं है, हाँ जी फेज डिफरेंस नहीं है, सेम फेज है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, आरएमएस वैल्यू भी, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, एक दोनों की फ्रीक्वेंसी का रेशियो मैं निकाल लूंगा इससे। तो अगर एक फ्रीक्वेंसी पता होगी, दोनों का रेशियो मिल गया है हमें, तो दूसरी फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे। एफ वाई अपान एफ एक्स क्या है, जो आपकी वाई प्लेट है या जो आपकी हॉरिजेंटल प्लेट है उस पे जो सिग्नल दे रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी है एफ वाई, और जो आपकी एक्स प्लेट है जिसको आपकी आप वर्टिकल प्लेट बोलते हो जो कि हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन करती है उसको दी गई सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफ एक्स। तो एफ वाई अपान एफ एक्स क्या है, नंबर ऑफ हॉरिजेंटल टेंजेंसीज अपन नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसीज, या इसी को ऐसे ऐसे लिख दिया है। क्या मतलब है इसका, आइए किसी ग्राफ से देखते हैं। देखिए मान लीजिए हमने कहा लिसाजुअस पैटर्न हमने बना दिया, लिसाजुअस पैटर्न बना दिया कुछ इस तरीके से। देखिए मान लीजिए लिसाजुअस पैटर्न ऐसे बन गया, कुछ ऐसे, ये लिसाजुअस पैटर्न है मान लीजिए। सर ऐसा लिसाजुअस पैटर्न कब बनता है आप तो बताया नहीं, फेज डिफरेंस में ये अलग केस है। आपको जो बताया गया है उसमें ये जो शेप आया है फेज डिफरेंस, जब आप निकाल रहे थे कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए था और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए थी तब ऐसा आएगा ये, तब मतलब नॉर्मल केस आपने पढ़ा था सर्किल या स्ट्रेट लाइन या एलिप्स, ये सब पॉसिबिलिटी तब आती है जब आपकी फेज डिफरेंस भी और फ्रीक्वेंसी भी कुछ अलग अलग हो, वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। बस आप ये सेप बना है लिसाजुअस पैटर्न, आप ये याद रखिए लिसाजुअस पैटर्न बना है और इसको देख करके आपको बताना है एफ वाई अपान एफ एक्स कि वाई प्लेट पे जो सिग्नल दिया और एक्स प्लेट पे जो सिग्नल दिया उन दोनों सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा एफ वाई बटे एफ एक्स। तो क्या करो आप, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो हॉरिजेंटली, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो हॉरिजेंटली और इस तरीके से ड्रॉ करो कि मैक्सिमम जितने पॉइंट को काट सकता है उसको काटता हुआ आगे बढ़े, ऐसे मत ड्रॉ कर देना, नहीं जितने पॉइंट पे कट कर सकता है उसको काटे हॉरिजेंटल, ऐसे तिरछा मिर्चा मत कर देना हॉरिजेंटल। तो कितने पॉइंट पे काट रहा है, ये लिसाजुअस पैटर्न है और ये हॉरिजेंटल टेंजेंट है, हॉरिजेंटल टेंजेंट, ये लिसाजुअस पैटर्न को हॉरिजेंटल टेंजेंट कितने पॉइंट पे कट किया, एक और दो, दो पॉइंट पे कट किया, वही लिखा है नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लिसाजुअस पैटर्न विद हॉरिजेंटल टेंजेंट, हॉरिजेंटल टेंजेंट से कितने पॉइंट पे कट किया या नंबर ऑफ हॉरिजेंटल टेंजेंसीज, बात बराबर ही है, कितने पॉइंट पे कट किया दो बटे। फिर क्या करो, एक वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ कर दो और वर्टिकल टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करना कि जितने मैक्सिमम पॉइंट पे काट सकता है काटता हुआ आए, वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे, टेंजेंट मींस स्पर्शी, इस तरीके से ड्रॉ करो जितने पॉइंट पे कैसे नहीं कैसे ड्रॉ कर दो, खिच खिच ऐसे नहीं, वर्टिकल ड्रॉ करो जितने पॉइंट पे काट सकता है, देखो कितने पॉइंट पे काट सकता है, एक दो तीन, तीन पॉइंट पे काट सकता है ऐसे, अच्छा चार पे भी काट सकता है, या चार पे काट सकता है मैक्सिमम चार पे, ये सही नहीं बना था ये, देखो तो ऐसे बना दो, कितने पॉइंट पे काट रहा है, एक दो तीन चार, मैक्सिमम कितने पे काट रहा है, ऐसे बनाओगे तो कहोगे तीन ही पे काट रहा है, ऐसे बनाओगे कहोगे दो ही पे काट रहा है, जितने मैक्सिमम पॉइंट पे काट रहा है उस तरीके से बनाओ, चार पे काट रहा है ये, दो बटे चार एक बटे दो, यानी एफ वाई बराबर एफ एक्स बटे दो, यानी एक्स और वाई प्लेट पे जो सिग्नल दिया गया उसकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो हमने निकाल लिया, ठीक है। तो आपकी जो टेंजेंट है कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है आपके लिसाजुअस पैटर्न को, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है एक दो, वर्टिकल टेंजेंट एक दो तीन चार, आया समझ में, अभी और क्वेश्चंस करेंगे इस पे हम, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। आइए एक और ग्राफ बनाते हैं उससे थोड़ा सा देखो आप, ये हम ये निकाल रहे हैं ना कि एक्स और वाई प्लेट पे या हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्लेट पे जो सिग्नल दिया गया उसकी फ्रीक्वेंसी थी उसका रेशियो कितना होगा, आई एम कैलकुलेटिंग द रेशियो। मान लीजिए
कुछ ऐसे हो, मान लीजिए लाइक दिस सी, ये लिसाजस पैटर्न है, एफ वाई अपन एफ एक्स क्या होगा, एफ वाई अपन एफ एक्स क्या होगा, वर्टिकल टेंजेंसी ड्रॉ करो जो मैक्सिमम कट कर सकती हो, मैक्सिमम लो, एक दो तीन चार, ऐसे मत ड्रॉ कर देना वो हो गया सर ये हो गया, नहीं मैक्सिमम एक दो तीन चार, चार कितने पॉइंट पे कट किया, इस टेंजेंट ने ग्राफ को लिसाजस पैटर्न को कितने पॉइंट पे कट किया, चार, एफ एक्स वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ करो मैक्सिमम पॉइंट, ऐसे मत खींच देना सर हो गया एक पॉइंट पे कट किया, नहीं मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट कर सकता है, ऐसे ड्रॉ कर दो, एक दो चार बटे दो दैट इज टू, वाई और एक्स का रेशियो दो आ गया, आई कहानी समझ में आया, नहीं ये हमने ये कैलकुलेट कर लिया आप फ्रीक्वेंसी का रेशियो कैसे निकाल सकते हो, आइए एक ग्राफ और बनाते हैं और उसके लिए देखते हैं, सी ऐसा ग्राफ है मान लीजिए, ऐसा है लिसाजुस पैटर्न है ये, इसके लिए बताओ एफ वाई बटे एफ एक्स क्या होगा, यानी वाई प्लेट पे जो सिग्नल दिया और एक्स प्लेट पे जो सिग्नल दिया उसकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनाओ, बनाता हूं सर आप लोग को, बना लिया लो, कितने पॉइंट पे कट किया, एक दो तीन लिख दिया सर तीन, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कितने पॉइंट पे कट कर सकता है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मैक्सिमम, यहां पे खींचोगे तो एक, यहां पे खींचोगे तो एक, यहां भी खींचोगे तो कहीं भी खींचोगे एक ही पॉइंट पे कट करेगा, इससे ज्यादा नहीं कट करेगा, एक थ्री अपॉन वन, थ्री अपॉन वन, एक से ज्यादा पे कट कर सकता है कहीं नहीं, कहीं भी खींच लो एक से ज्यादा पे नहीं कट करेगा, तो थ्री अपॉन वन, और एक ग्राफ और है उसका बनाते हैं फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो शानदार जो एग्जाम में और आए हुए हैं, एक शेप और बना रहा हूं मैं, इसके लिए आपको निकालना है एफ वाई बटे एफ एक्स, ऐसा ऐसा चिंटू ऐसा, और फिर उसके बाद ऐसा ठीक है, और ये ऐसा लो बना दिया, ऐसे बना हुआ है, ये सब पूछे हैं एग्जाम में, क्या होगा एफ वाई अपॉन एफ एक्स, यू हैव टू फाइंड, निकालो एफ वाई अपॉन एफ एक्स फाइनली क्या होगा, इसका क्या होगा, देखिए इसका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, मैक्सिमम कितने पॉइंट पे काट सकते हो आप उसको ध्यान में रखते हुए, इसको करा लेते हैं फिर एक सेकंड, मैक्सिमम कितने पॉइंट पे काट सकते हो आप उसको ध्यान में रखते हुए, देखो यहां पे खींचोगे तो एक दो तीन चार पाँच छ, यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ ही काटेगा, छह पॉइंट पे कैसे भी ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी ड्रॉ कर दी, एक दो तीन चार पाँच छ, शेप कोड इससे ज्यादा नहीं कट कर सकता, आप देख लेना कहीं भी ऊपर नीचे कट कराओ, ऐसे मत कट करा देना, नहीं ये हो गया छे, और वर्टिकल टेंजेंसी ड्रॉ करो कितने मैक्सिमम पॉइंट पे कट कर सकता है, वर्टिकल में अगर यहां खींचे हम तो एक दो तीन चार, यहां खींचे तो एक दो तीन चार, यहां खींचे तो एक दो तीन चार पे पॉइंट पे कट करेगा, कहीं भी खींच लो आप, देखो मैंने ऐसे खींच दिया, एक दो तीन चार,
तीन बटे दो, छह बटे चार का मतलब तीन बटे दो, ठीक है। तो जितना आपने पढ़ा इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में डायरेक्ट, और कुछ और क्वेश्चंस भी आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, उसको देख के आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइएगा कैसे करना है इसको। तो क्वेश्चंस दिखेगा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन उसी सेट दिखाना ताकि ये खाली रहे। देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि टू इक्वल वोल्टेजेस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी अप्लाइड टू द एक्स एंड वाई प्लेट्स ऑफ ए सीआरओ प्रोड्यूस ए सर्कल ऑन द स्क्रीन, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वोल्टेज इज, दो इक्वल वोल्टेज है, इक्वल का मतलब वीएम वीएम सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, जब फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड वोल्टेज का सेम होगा तभी फेज डिफरेंस आप निकाल पाओगे। तो फ्रीक्वेंसी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, फेज डिफरेंस निकालना है, सीआरओ की स्क्रीन पे जो शेप है वो सर्किल की शेप है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, आंख बंद करके आप टिक कर सकते हो 90 डिग्री, या 90 डिग्री या ऑप्शन में होता 270 डिग्री वो भी टिक कर सकते थे, 90 है तो 360 माइनस 90 भी सही होता मगर ऑप्शन के हिसाब से 90, तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लिसाजस पैटर्न ऑन द ऑसिलोस्कोप हैज फाइव हॉरिजेंटल टेंजेंसीज एंड टू वर्टिकल टेंजेंसीज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉरिजेंटल इनपुट इज 1000 हर्ट्ज, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्टिकल इनपुट। देखिए क्वेश्चन आपका वही है, बस हॉरिजेंटल वर्टिकल किया हुआ है। आपने क्या देखा था अभी, आपने पढ़ा था एफ वाई अपान एफ एक्स, एफ वाई क्या था, जो आपने हॉरिजेंटल प्लेट को इनपुट दिया था उसकी फ्रीक्वेंसी वाई है, और एफ एक्स क्या था, जो आपने वर्टिकल प्लेट को इनपुट दिया था एक्स प्लेट को उसकी फ्रीक्वेंसी एक्स है, एफ एक्स है, और ये क्या था, नंबर ऑफ हॉरिजेंटल टेंजेंसीज अपॉन नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसीज, या कि लिसाजुअस पैटर्न को कितने पॉइंट पे आपका हॉरिजेंटल कर रहा था, डिवाइड बाय लिसाजुअस पैटर्न को वर्टिकल टेंजेंट कितने पॉइंट पे कट कर रहा था। यहां पे दे रखा है कि लिसाजुअस पैटर्न है जिसमें पांच हॉरिजेंटल टेंजेंसीज है, एफ वाई अपॉन एफ एक्स क्या होगा, ऊपर हो गया नंबर ऑफ हॉरिजेंटल टेंजेंसीज पांच और टू वर्टिकल टेंजेंसीज, वर्टिकल टेंजेंसी कितनी है दो, हॉरिजेंटल अपॉन वर्टिकल यही लिखा हुआ है आपको छिप गया भी दिखेगा, पांच बटे दो एफ वाई अपॉन एफ एक्स, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉरिजेंटल इनपुट इज 1000 हर्ट्ज, हॉरिजेंटल इनपुट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज दे रखी है, हॉरिजेंटल का मतलब समझ रहे हो, एफ वाई वाई प्लेट हॉरिजेंटली अरेंज्ड होती है लेकिन डिफ्लेक्शन करती है वर्टिकली, एफ वाई दे रखा है क्या हॉरिजेंटल, इट इज 1000 हर्ट्ज, कोई नहीं ठीक है जैसे भी है, 1000 हर्ट्ज अपॉन एफ एक्स, ये हो गया 5 बाई 2, यहां से एफ एक्स हो जाएगा क्या 2000 डिवाइड बाय 5, कितना हो जाएगा ये 400, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्टिकल इनपुट इज 400 हर्ट्ज, होगा या नहीं, दोनों का रेशियो इतना गया, ये दे रखा है 1000 वर्टिकल जो हॉरिजेंटल प्लेट है उसको दिए गए सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है इतनी, तो जो वर्टिकल प्लेट होगी उसको दिए गए सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफ एक्स है। आपको बताया था एक हॉरिजेंटल प्लेट होती है जिसको वाई प्लेट बोलते हैं और एक वर्टिकल प्लेट होती है जिसको एक्स प्लेट बोलते हैं, हॉरिजेंटल प्लेट होती हॉरिजेंटल है मगर डिफ्लेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में करती है, और वर्टिकल प्लेट होती वर्टिकल है मगर डिफ्लेक्शन हॉरिजेंटल करती है। इसका आंसर हो गया कितना 400 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि द लिसाजस पैटर्न ऑब्टेंड ऑन ए सीआरओ स्क्रीन इज गिवेन बिलो, द फ्रीक्वेंसी रेशियो ऑफ वर्टिकल सिग्नल टू द हॉरिजेंटल वन इज, फ्रीक्वेंसी का रेशियो पता करना है वर्टिकल सिग्नल टू द हॉरिजेंटल क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो हम बनाते हैं इसको, कितना गोला बना है 1 2 3, अच्छा ये तीन तो ऐसे बन गया, उसके बाद ये पूरा सर्किल नहीं है आधा अधूरा बना हुआ है लाइक दिस,
सर कट रहा है एक सेकंड। देखिए ये तीन बनाना है, ये बन गया तीन मान लीजिए जैसे भी उल्टा सीधा, और फिर यहां पे आपने एक और ऐसे बना दिया है लाइक दिस, और ये है ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे, इस तरीके का है आपका। अब अगर जरा आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो और एक वर्टिकल लाइन खींचो, देखो कितने पॉइंट पे कट कर रही है, खींचो जरा तो कितने पॉइंट पे कट कर सकती है। ये ग्राफ कुछ ऐसे है लाइक दिस, ऐसे है, खींचो लाइन। एफ वाई अपान एफ एक्स हॉरिजेंटल लाइन जो है, हॉरिजेंटल टेंजेंट कितने पॉइंट पे कट कर रही है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, तो हॉरिजेंटल लाइन 10 पॉइंट पे कट कर रही है। और जो वर्टिकल लाइन होगी वो कितने पॉइंट पे मैक्सिमम कट कर सकती है, बताओ वर्टिकल कितने पॉइंट पे मैक्सिमम कट कर सकती है, कहीं से भी आप खींच दो मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट करेगी, कहीं से भी खींच दो आप, ये 2 पॉइंट पे, आप यहां खींचो कहीं भी खींचो मैक्सिमम 10, इससे ज्यादा नहीं, 2 मैक्सिमम 2, इससे ज्यादा नहीं। कितना हो गया 10/2, इसका मतलब हो गया 5, अब 5/1 को आप लिख सकते हो 5:1, पूछा क्या है 5:1 या 1:5, देखो लिसाजस पैटर्न ऑब्टेन ऑन ए सीआरओ स्क्रीन इज शोन इन फिगर द फ्रीक्वेंसी रेशियो ऑफ वर्टिकल सिग्नल टू द हॉरिजॉन्टल वन। आपसे यहां पे वाई और एक्स का रेशियो नहीं पूछा गया, ध्यान रखना आप, वाई और एक्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल, वाई का मतलब हॉरिजॉन्टल, एक्स का मतलब वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल जो होता है वो ये है 5/1, y अपॉन x का मतलब 5/1 हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल, मगर आपसे यहां पूछा है द रेशियो ऑफ वर्टिकल सिग्नल टू द हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल का मतलब fx अपॉन fy पूछा है आपसे, fx अपॉन fy तो पलट दोगे इसको 1/5, इट इज 1:5, योर राइट आंसर इज c। बात आ रही समझ में, जरूरी नहीं हमेशा हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल ही पूछे, वर्टिकल पूछ दे और हॉरिजॉन्टल पूछ दे तो आप उल्टा कर सकते हो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दे रखा है कि टू साइन वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर इंप्रेस्ड ऑन एक्स एंड वाई प्लेट्स ऑफ ए सीआरओ, दो साइन वेव्स हैं ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी की हैं ठीक, सीआरओ को दिया गया, लिसाजस पैटर्न ऑन द स्क्रीन इज गिवन लाइक दिस, ये लिसाजस पैटर्न बना हुआ है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द सिग्नल इज, अच्छा फेज डिफरेंस पूछा गया, ये जो डब्बा सा दिख रहा है ना वो सीआरओ की स्क्रीन है जो खाने खाने से बने होते हैं बॉक्स टाइप के, इसको देख करके आपको बताना है कि फेज डिफरेंस कितना होगा। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला याद है आपको, पहले देखो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट थर्ड में है सेकेंड फोर्थ में है, ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आप फार्मूला क्या लगाओगे, आप फार्मूला लगाओगे फाई का साइन इनवर्स y1/y2 या x1/x2, यहाँ पे y1 और y2 दे रखा है, y1 और y2 ये दोनों लेंथ दे रखी है, y1/y2 0.5 छोटा सा, देखो साइन इनवर्स y1/y2 है 0.5 यानी 1/2, इसको आप लिख सकते हो 1/2 को साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2, ये कट गया फाइव हो गया 30 डिग्री, या तो 30 डिग्री पॉसिबल है ऑप्शन में, 30 डिग्री हर जगह 30 30 30, और दूसरा क्या है 30 डिग्री को ही आप लिख सकते हो 360 - 30 दैट इज 330 डिग्री, या तो 30 डिग्री बोल दो आप और 330 डिग्री बोल दो, दोनों सही है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 330 या 330 योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए में क्या है 30 है, 330 150 210 इतना कैसे संभव है, बी में है 30 भी है 330 150, 30 और 330 तो है संभव, 150 नहीं संभव है,
तो अगर मैं कहूं दो लाइंस के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो एक तो 60 है, दूसरा आप अगर ऐसे घुमा के देखोगे तो 360 माइनस 60 300 बोल सकते हो, दो ही संभावनाएं हैं, 30 या 330, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है कि ने ऑसिलोस्कोप टू लिसाजस फिगर एक्स एंड वाई आर ऑब्जर्व, दिस इंडिकेट्स दैट रेशियो ऑफ वर्टिकल इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी टू द हॉरिजॉन्टल इनपुट फ्रीक्वेंसी आर 5/3 फॉर एक्स एंड 3/2 फॉर वाई। ये तो आप निकाल लोगे, अभी तो निकाला था कुछ देर पहले, जो लेफ्ट वाला सेफ है उसके लिए तो भी निकाला था, जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाले के लिए भी आपने निकाला था fy अपॉन fx, तो fy अपॉन fx निकाल सकते हैं, अगर fx अपॉन fy पूछा तो वैसे वो निकाल सकते हैं। फिगर x जो है ना उसके लिए भी बनाया था हमने, फिगर y के लिए ये निकालिए, फिगर y के लिए अगर निकालना हो ऐसे दे रखा है फिगर y, इसमें पूछा है आपसे मान लीजिए fy अपॉन fx, मान लीजिए तो fy अपॉन fx क्या होगा, हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी खींचो जो मैक्सिमम पॉइंट पे कट करे, 1 2 3, 3 पॉइंट पे मैक्सिमम कट किया, और वर्टिकल टेंजेंसी मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट कर सकती है, 2 3/2, हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल 3/2 क्या है, ऑसिलोस्कोप पे एक्स और वाई ऑब्जर्व द इंडिकेट द रेशियो ऑफ वर्टिकल इनपुट सिग्नल, वर्टिकल इनपुट सिग्नल टू द हॉरिजॉन्टल इनपुट सिग्नल इज 3/2 5/3 5/3, इट इज 3/2, टू फिगर एक्स एंड वाई आर ऑब्जर्व, दिस इंडिकेट्स दैट द रेशियो ऑफ वर्टिकल इनपुट सिग्नल वर्टिकल इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी एफ वाई अपन एफ एक्स हमने निकाल लिया 3/2, जरा देखिए इसको, पूछ रखा है कि द रेशियो ऑफ वर्टिकल इनपुट सिग्नल अपॉन हॉरिजॉन्टल इनपुट फ्रीक्वेंसी, ये तो वर्टिकल इनपुट सिग्नल सीआरओ में जरा देखो, आपने जो पढ़ा था सीआरटी अगर थोड़ा बहुत याद हो तो ऐसे था, यहां पे आपने एक एम्पलीफायर लगा रखा था जिसको आपने वर्टिकल एम्पलीफायर बोला था, यहां से गया था, और इसको वर्टिकल एम्पलीफायर इसलिए हम बोल रहे थे क्योंकि ये सिग्नल हम दे रहे थे वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को, हॉरिजेंटल प्लेट्स को ही वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स बोलते हैं, जो हॉरिजेंटल प्लेट्स आपकी थी, हॉरिजेंटल प्लेट्स होती हॉरिजेंटल है, डिफ्लेक्शन वर्टिकल करती हैं, तो इसको हम वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स बोलते हैं, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। एक तरीके से अगर आप देखोगे तो हॉरिजेंटल प्लेट्स होती हॉरिजेंटल है, डिफ्लेक्शन वर्टिकल करती हैं, यानी आप बोलते हो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को ये वाला इनपुट हम ले आकर के देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वर्टिकल एम्पलीफायर, कि जो सिग्नल होता है इसको इनहेंस करने के लिए। और दूसरी प्लेट जो यहां पे लगी हुई थी, ये मान लीजिए ये प्लेट थी आपकी वर्टिकल, प्लेट थी आपकी वर्टिकल मगर डिफ्लेक्शन कैसे कर रही थी, हॉरिजेंटल, तो फिर डिले टाइम वगैरह लगा था यहां पे, फिर आकर के ऐसे हमने एक हॉरिजेंटल एम्पलीफायर लगाया था, हॉरिजेंटल एम्पलीफायर को ले आकर के हमने यहां पे दिया था हॉरिजेंटल एम्पलीफायर को, और हॉरिजेंटल एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं, ये कनेक्ट होता है वर्टिकल प्लेट से, मगर इसका जो कनेक्ट होता है वर्टिकल प्लेट से, और वर्टिकल प्लेट्स डिफ्लेक्शन हॉरिजेंटल करती है, इसलिए इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, होती वर्टिकल है मगर नाम देते हैं हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। तो आपसे पूछा गया है वर्टिकल इनपुट सिग्नल, अगर देखो तो वर्टिकल इनपुट सिग्नल का मतलब एक तरीके से जो हॉरिजेंटल प्लेट्स के पास आया है वो, और हॉरिजेंटल इनपुट फ्रीक्वेंसी, हॉरिजेंटल इनपुट फ्रीक्वेंसी का मतलब, हाँ वर्टिकल इनपुट सिग्नल का मतलब जो आप वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के पास आया है इसके पास, और हॉरिजेंटल इनपुट का मतलब जो इसके पास आया है,
तो क्या होगा ये, इसको हमने नाम दिया था वाई और इसको नाम दिया था एक्स, एफ वाई अपान एफ एक्स, ये है कहानी। और ये हमने निकाला था अभी कुछ देर पहले, कितना आया था 3/2 या कुछ 2/3 करके आया था, तो उसके हिसाब से आप टिक कर दोगे। तो जो प्लेट्स हैं उसका नाम कैसे रखा गया उसके हिसाब से आप देख सकते हो। नेक्स्ट हो गया, कमेंट दिखाना। तो जितने क्वेश्चंस किए इसमें कोई डाउट तो बताइए। चंदन का कहना है सर थ्योरी की भी क्लास कराइए। चंदन क्लास थ्योरी की भी चल रही है, आप पिछली वीडियो देखिए, पिछली वीडियो आप देखिए, उसमें सीआरओ कराया था, आज भी सीआरओ ही कराया। थोड़ा सा और ऊपर करना कमेंट्स को थोड़ा सा। अमित राज का कहना है सर हम क्लास बहुत लेट से लिए थे, अभी ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं। सर हम आईआईटी में क्लास नहीं किए हैं लेकिन आपसे पढ़ने के बाद हमें समझ में आ रहा है। सर अब हम क्लास में लाइव रहेंगे तो और समझ में आएगा। ओके विवेक विश्वकर्मा, जितने लोगों ने देखा उनको कोई डाउट है तो बताइए। शिवनंदन बोल रहे हैं क्लियर है सर सब। ये कहानी थी कि आपके पास अगर दो सिग्नल हैं देखिए, एक प्लेट ये थी दूसरी प्लेट ये थी, इसको दिया और एक इसको दिया था, ये पिछली क्लास में बताया था। ये थी हॉरिजेंटल मगर डिफ्लेक्शन वर्टिकल करती है, तो आप इसको बोल सकते हो वर्टिकल सिग्नल। और ये होती है वर्टिकल मगर डिफ्लेक्शन हॉरिजेंटल करती है, तो आप हॉरिजेंटल सिग्नल बोल सकते हो, या वाई प्लेट एक्स प्लेट जैसे भी हो, वर्टिकल प्लेट्स हॉरिजेंटल प्लेट्स वर्टिकल प्लेट्स कुछ भी करके दे रखा हो। तो आपके पास दो प्रकार के प्रश्न आएंगे, एक तो ये पूछेगा कि दो सिग्नल हैं दोनों की फ्रिक्वेंसी का रेशियो पूछ सकता है आपसे, और एक पूछ सकता है कि शेप दे रखा होगा लिसाजस पैटर्न का, और उस शेप को देख करके आपको पता करना होगा कि फेज डिफरेंस कितना है। तो आज की कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल आपसे हमारी दोबारा मुलाकात होगी संडे के दिन। और जितना आज पढ़ाया गया सीआरओ को आप पढ़िए, अगर सीआरओ में कुछ थोड़ा बहुत और बचा हुआ है तो उसकी मैं क्लास किसी और दिन लगाता हूँ, बट आज लिसाजस पैटर्न मेनली ख़त्म हो गया। तो दोबारा आपसे कल मुलाकात होगी संडे वाले दिन, और कल संभवतः हम इलेक्ट्रिसिटी रूल का जो सेकेंड पार्ट बचा हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में।